यूजिंग कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटीज होते हैं हम लोग सब किए हैं एन सी आर इज अ कॉम्बिनेशन फंक्शन या फिर चूज फंक्शन उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एन एंड आर इसमें क्या करते हैं हम लोग अगर हम लोग के पास टेन ऑब्जेक्ट्स हैं और वो टेन ऑब्जेक्ट्स में से हम लोग को लेट्स से थ्री ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो वी द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग इज एन सी थ्री And a, a 10 choose 3 so how what is the use of these combinations in probabilities other let's say I say e i contain a uh, I have a bag which contains four green three red and two white balls ये है मेरे बैग का कंटेंट्स प्रोबेबिलिटी दैट आई चूज टू ग्रीन एंड वन वाइट बॉल तो क्या होएगा इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे को टोटल में थ्री बॉल्स चूज करने है ना थ्री बॉल्स चूज करने तो डिनोमिनेटर क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएगा फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन नाइन में से कोई भी थ्री हम चूज कर सकते हैं तो नाइन सी थ्री आया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स क्या होएगा कि चार ग्रीन में से दो होना चाहिए एंड दो व्हाइट में से एक होना चाहिए दिस इज माई फेवरेबल आउटकम्स तो ऐसे करके we can just calculate the values of these individually and get the answer. बताओ आंसर कितना आ रहा है का काम आता है in case of probabilities. ठीक है? पूरा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको yes, ठीक है। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू